देश का किसान सड़क पर है। मैं ये मुद्दा आज आपके सामने नहीं लेकर आ रहा हूं कि उसकी मांग जायज है या नहीं। जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं वो बहुत मायने रखता है। सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहूंगा, एक न्यूज चैनल ने कल किस तरह से किसान के आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया। आपकी स्क्रीन पर यह स्क्रीनशॉट, खालिस्तान के निशाने पर अन्नदाता, पंजाब हरियाणा के किसानों को खालिस्तान ने मोहरा बनाया। यानी कि अगर कोई जवाब ना मिल पाया तो प्रचार तंत्र के जरिए किसान को खालिस्तान समर्थक बता दो या खालिस्तान का मोहरा बना दो। किसान का बेवकूफ है कि वो इस तरह से खालिस्तान का मोहरा बन जाएगा। दोस्तों, इत्तेफाकन इस चैनल के जो मालिक हैं वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत करीब हैं, इस कदर करीब हैं कि कायदे से तो उन्हें न्यूज चैनल के बिजनेस में होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि जो किसी राजनीतिक दल से इतना करीब है उसे पत्रकारिता और उसे न्यूज चैनल्स में होने का कोई हक नहीं है। मगर आप जानते हैं 2014 के बाद क्या हालात हैं। खैर, वो बात अलग है। मैंने जब इस चैनल के कुछ उच्च स्तरीय सूत्रों से बात की और मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने किस बिना पर यह कहा कि किसान जो है वो खालिस्तान का मोहरा बन रहे हैं, क्या किसी किसान ने खालिस्तान के समर्थन में नारे दिए थे? तो मुझे बताया गया कि नहीं, किसी भी किसान ने खालिस्तान के समर्थन में नारे नहीं दिए। इस पूरे प्रदर्शन में कहीं पर भी खालिस्तान समर्थक कोई नारा या कोई बैनर या कोई झंडा नहीं दिखाई दिया। तो मैंने बोला, फिर क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि वो खालिस्तान के मोहरे बने हुए हैं? उन्होंने कहा, हमने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक संस्था है, सिख फॉर जस्टिस, और उसने यह बयान दिया है कि इंडिया गेट में खालिस्तान का झंडा फहराया जाएगा 26 नवंबर को। मैं पूछना चाहता हूं कि कोई बहुत ही वाहियात संस्था है जो कि अमेरिका में बेस्ड है, उसने अगर एक बयान दिया है तो क्या आप हमारे किसानों को उसके लिए जवाबदेह बनाएंगे? मगर मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं, अगर किसानों को इस तरह से जवाबदेह बनाना है तो आपके सामने एक खबर है जो इस वक्त आपके स्क्रीन्स में है। क्या आप जानते हैं कि एक किताब आई थी, द स्पाई क्रॉनिकल्स, और आप जानते हैं स्पाई क्रॉनिकल्स लिखी थी ISI के फॉर्मर चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असद दुर्रानी और भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ AS दुलत ने साथ मिलकर उन्होंने एक किताब लिखी थी, नाम था द स्पाई क्रॉनिकल्स। और इसमें दुरानी साहब, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल दुरानी साहब ISI के फॉर्मर चीफ, उनका कहना था कि प्रधान ISI चाहता है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ISI चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देश का अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए, यानी कि 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले की यह बात थी। अब बताइए, क्या इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? क्या इसके लिए हम यह कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ISI की एजेंट है, सिर्फ इसलिए कि ISI चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बने रहे? बात यहां नहीं रुकती है। दूसरी खबर देखिए, इमरान खान का बयान है। इमरान खान इसमें कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि भारत की तरफ से अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हों। यह लोकसभा चुनाव से पहले का उनका बयान है। तो इमरान खान भी चाहता है मोदी बने और ISI भी चाहता है मोदी बने, तो क्या इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर दें या बीजेपी को ISI का एजेंट बोल दें? इमरान खान क्या कह रहे हैं या ISI क्या कह रही है, इसके लिए बीजेपी कैसे जवाबदेह हो सकती है? उसी तरह से कोई संस्था जो अमेरिका में आधारित है उसके लिए हमारे किसान कैसे जवाबदेह हो सकते हैं? और मैं इस चैनल से पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी हिम्मत होगी जो पैमाने तुमने हमारे किसानों के लिए तय किए हैं उनको खालिस्तान का मोहरा बना दिया है, क्या तुमने हिम्मत है यह कहने की कि बीजेपी जो है वो ISI का मोहरा है या बीजेपी जो है वो इमरान खान का मोहरा है? क्या आपके पास मेरे इस बात का कोई जवाब है? मैंने कई और लोगों से बात की इस चैनल में, उनका कहना था कि हमसे गलती हो गई और यही वजह है कि उसके बाद से हमने इस खबर को हटा दिया। चलिए, किसान आपके हिसाब से नहीं चलेगा तो उसे खालिस्तानी बता दो, उसे देशद्रोही बता दो। मैं नहीं भूला हूं जब हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे तो एक न्यूज चैनल के अंदर एक प्राइम टाइम एंकर खड़े होकर कहती हैं कि देश की रक्षा सरकार थोड़ी ना करती है, बीजेपी थोड़ी ना करती है, देश की रक्षा तो सैनिक करता है, तो इसका दोष सरकार पर थोड़ी ना मढ़ा जा सकता है, सैनिक पर मढ़ा जाएगा। इस कदर बेशर्म है ये लोग। मैंने कहा ना आपको कार्यक्रम की शुरुआत में कि अगर आप इनकी सहूलियत के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आपको देशद्रोही बता दिया जाएगा, खालिस्तानी बता दिया जाएगा। और किसानों की क्या हालत है मैं आपको दिखला रहा हूं। ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में देखिए
इतनी ठंड के बीच इन पर वाटर कैनन्स की बौछार हो रही है। वो किसान जो हमारा अन्नदाता है, वो किसान जिसके साथ बैठकर आप में बात करने की हिम्मत नहीं है, वो किसान जब अपने हक के लिए मैदान में चल रहा है, चलिए आप उसे रोकें, हो सकता है ये आपका कर्तव्य हो, जरूरी हो आपके लिए, आप इस तरह से उस पर वाटर कैनन्स बरसा रहे हैं। आप भूल गए कि निर्भया कांड के दौरान इसी तरह से जब इंडिया गेट में निर्भया के लिए आंदोलन करने वालों पर वाटर कैनन्स और पानी बरसाया जा रहा था ठंड के दौरान, तब आपने उसे संवेदनहीन बताया था, अमानवीय करार दिया था। आज आप वही कर रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर सरकार वही हरियाणा में कर रही है। एनडीटीवी के इस वीडियो के मुताबिक उन पर अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। यह है हमारे अन्नदाता का हाल, वो अन्नदाता जिसके नाम पर आप वोट तो खूब लेते हैं मगर ये हालत आप उसकी कर देते हैं। आज वो सड़क पर है तो उसे आप नक्सली बता दो, आतंकवादी बता दो, ले देके वही घिसा पिटा राग आप आलापते रहिए।